So I have reached the airport and good morning guys, and we are going Rajasthan. So अभी मेरी फ्लाइट है जोधपुर. अभी जोधपुर जाके पता चलेगा कि वहाँ रुकना है, घूमना है या सीधा जाना है. गर्मी के हिसाब से पर गर्मी बहुत. So hey guys, welcome back to the channel everybody. I hope you guys are doing absolutely fine and well. ये पता नहीं कितने सालों बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, सो प्लीज़ बेयर विद मी. एंड अभी तक आप बहुत जल्दी बोलने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बाकी आपका शॉर्ट्स देखने मिल जाएंगे एंड मेरी जर्नी भी. सो फिलहाल अभी अपन बैग्स वगैरह चेकिंग करवा के मिलते हैं आपको. बाय. सो अभी चेक इन वगैरह हो गया है. अभी वी आर ड्रिंकिंग सम टी चाय एंड उसके बाद विल गो टू द बोर्डिंग एंड उसके बाद हैदराबाद से वाया फ्लाइट है. सो 3-4 घंटे का हैदराबाद में ले ओवर है. सो अभी के लिए बस इतना ही है यार. वेट करेंगे एंड देन वी विल चेक इन टू लाउंज एंड फिर खाना वाना खाएंगे बैठेंगे. 2:20 की मेरे हिसाब से फ्लाइट है. अभी टाइम 11:38, फ्लाइट अराउंड 2:30. सो विल बोर्ड. फाइनली चेकड इन टू द होटल. मतलब 1-1.5 घंटे पहले कर दिया था, थोड़ा रेस्ट ले रहा था. एंड अभी यहाँ पे पैलेस वैलेस तो कुछ खुला है नहीं, सो आई गेस अभी कुछ अपन जाएंगे रेस्टोरेंट जाएंगे या फिर स्ट्रीट फूड के लिए जाएंगे, पता नहीं कहीं तो जाएंगे. दोस्त से पूछा तो है, उसने सजेशन दिए काफ़ी. अभी थोड़ा और रेस्ट लेके 7:00 तक अभी निकलेंगे. अभी टाइम हो रहा है 6:25. सो अपन ने अभी तक कल की ट्रेन बुक टिकट तो बुक नहीं की है क्योंकि मेरे को जाना है एक तो पैलेस और एक यहाँ पे ब्लू सिटी करके कुछ है वहाँ पे. सो और एक मंदिर जाना है. ये तीनों में से कल कौन सा हो उसके हिसाब से आई बुक द टिकट्स, या तो ट्रेन या तो बस. ट्रेन है तो कल 11:50 की होगी, बस है तो मेरे ख्याल से 6 बजे की, 6 बजे आसपास. सो अभी के लिए इतना ही. अभी अपन होंगे फ्रेश होंगे, आउटफिट तो यही रखने वाला हूँ, क्या ही चेंज करना है. एंड बस निकलेंगे बाहर, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है. एंड गर्मी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि मैं लेट ही आया हूँ, कल पता चलेगा कितनी गर्मी है यहाँ पे. सो यस, कीप वॉचिंग. तो अभी अपन बाहर निकल चुके हैं होटल से. अभी यहाँ ही बाजू होटल के बाजू में वॉकिंग डिस्टेंस में एक रेस्टोरेंट है फोर ब्रदर्स करके, वहाँ लाइव म्यूज़िक है कुछ. तो वहाँ जाके देखेंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो अपन कहीं और जगह जाएंगे, हॉपिंग करते रहेंगे, फिर आके सो जाएंगे. और काम ही क्या है घूमने में. सो बी क्वाइट चेंज इन प्लान. यहाँ पे रूफटॉप था, बारिश आ गई, सो नो लाइव म्यूजिक. अभी पता नहीं कोई और जगह जाएंगे, देखते हैं कौन सी जगह जाना है. देखते हैं नीचे जाके देखते हैं. द हुड करके एक जगह है, वी गो देयर आई गेस. बाय बाय. सो अभी ऑटो किया है दूसरी जगह के लिए. वी आर गोइंग टू द हुड. ये भी बाजू में है, 2-2.5 किलोमीटर ही है. अभी ऑटो आ रहा है तो ऑटो में बैठ कर जाएंगे वहाँ पे, पता नहीं कुछ खा के. फिर आई गेस विल गो सम स्ट्रीट स्ट्रीट फूड, अगर कुछ खुला हो तो ऑटो वाले को पूछ लेंगे. पर ना बैक टू होटल, इसलिए पहन कर सुबह जल्दी उठ के आई गेस जल्दी उठे तो विल गो टू अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. टू द ब्लू सिटी एंड देन मंदिर बस, एंड अगर हुआ तो पैलेस. अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देखते रहो व्लॉग.
अभी के लिए तो घंटाघर शायद बंद है, कल अगर टाइम मिला तो आएंगे वरना नेक्स्ट टाइम। बीन टू एन अमेजिंग प्लेस, ये भी रूफटॉप था बट बारिश नहीं हुई तो बहुत ही बढ़िया जगह थी, लेक साइड व्यू। अभी विल गो बाई वॉक, यहाँ पे मार्केट है, जनता स्वीट हाउस जो फेमस है वहाँ तक जाएंगे। बाकी चल रहा है यार, ब्लॉग देखते रहो, मजे करते रहो। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल फॉर टुडे। अभी अपन जा रहे हैं मार्केट बाई वॉक, यहाँ पे बाजू में है, अच्छा मार्केट है, वहीं पे जनता स्वीट सेंटर है। सो बस वहाँ से विल गो बैक टू होटल, सो जाएंगे, फिर कल सुबह जल्दी उठेंगे, उठ गए तो ठीक, नहीं उठे तो आपको पता चल जाएगा। फाइनली अभी होटल आ गए और थोड़े बहुत थक चुके हैं चल चल के, मार्केट तो बंद हो गया था एंड जनता स्वीट सेंटर और स्वीट आई हैड दही पापड़ी चाट एंड मस्ट विजिट प्लेस ऑब्वियसली, पर फेमस है यहाँ का, स्वीट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा एक्चुअली पेट बहुत फुल था तो नहीं खाया, बाकी सब सॉर्टेड। अभी चेन्नई का मैच है तो मैच देखेंगे अगर इस पर आ रहा है तो, वरना जियो सिनेमा जिंदाबाद कुछ तो करना ही पड़ेगा। जियो का इस बार बहुत ख़राब है, स्ट्रीमिंग अच्छा नहीं है, बाकी सब सही चल रहा है। कल सुबह सुबह जल्दी उठे तो जल्दी मिलेंगे, करना देखते हैं। सो अंटिल देन गुड नाइट, अपन कल मिलते हैं।